हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई एम अ फ्रेंड कार्टून कारवाला, टुडे अगेन विद अ वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफरेंट व्लॉग। एज यू कैन सी गाइस की लाइटिंग कैसी है, वाइट वाइट कलर की। तो ऑब्वियसली ये व्लॉग सारा का सारा रिलेटेड है हमारी ऑल न्यू महिंद्रा थार के साथ। एंड इन टुडेज व्लॉग आई विल शो यू ऑल द इंटीरियर लाइटिंग ऑफ दिस कार, लाइक अंदर से लेकर बाहर तक इस कार में कैसी लाइटें हैं रात के टाइम। तो पूरा रात का बढ़िया वाला सीन आज मैं बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, आपको काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी लगेगी। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये है मेरे पास महिंद्रा थार की मेरे हाथ में। यहाँ पे हमें मिलते हैं तीन बटन, दिस इज फॉर अनलॉक, दिस इज फॉर लॉक एंड दिस इज फॉर हॉर्न। एज यू कैन सी, सो अभी दोस्तों जैसे मैं कार को लॉक करूंगा यहाँ पे आपके सामने, एज यू कैन सी कि कार लॉक हो गई है। एंड दोबारा जब मैं लॉक बटन को दबाऊंगा तो मेरे यहाँ पे हेडलाइट ऑन हो जाएंगे कार के। एंड ये आफ्टर मार्केट हेडलाइट है, कितने के डले, कैसा इनका थ्रो है, ये तो मैं बताऊंगा ही आपको इस वीडियो के अंदर। पर हालांकि मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि इसके इंटीरियर की लाइटिंग में क्या क्या महिंद्रा ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा है, क्या क्या फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। अब की मेरे हाथ में मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप 20 सेकेंड के बाद आपकी हेडलाइट यहाँ पे बंद हो जाती है। इसके अलावा जब मैं अनलॉक करूंगा, मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ आपको ये चीज, लॉक पे भी अनलॉक पे भी, जब मैं अनलॉक करता हूँ कार को, सो एज यू कैन सी पीछे की जो लाइट है वो ग्लो करती है। एंड नीचे जो रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँगी, आगे DRL भी ग्लो करते हैं। एंड सेम अगर मैं अनलॉक बटन को भी ऐसे करके दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हेडलाइट यहाँ पे ऑन हो गया हमारे। इसके अलावा दोस्तों जब मैं कार को अनलॉक करता हूँ तो अंदर की जो कैबिन लाइट है ये भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैंने कार को लॉक कर दिया है, लाइट धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब एज यू कैन सी कि मैं हूँ महिंद्रा थार के इंटीरियर के अंदर। एंड यहाँ पे रात का टाइम है काफ़ी, वी आर ऑन दी हाईवे एंड बिल्कुल रात है, स्ट्रीट लाइट के नीचे हम खड़े हुए हैं तो थोड़ी रोशनी बाहर से आपको दिख रही है रोड की। एंड अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो मीटर बिल्कुल अभी बंद है एंड सारी लाइटें कार की बंद है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ, ये की मेरे हाथ में है एंड ये फ्लिप की है, पुश बटन स्टार्ट आपको इस कार में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एज यू कैन सी यहाँ पे मैं की को अंदर एंटर कर दूंगा, तो कुछ इस तरह का आपको स्टार्टअप देखने को मिलेगा मीटर के अंदर। नाउ एज यू कैन सी कि कोई भी लाइट अभी नहीं जल रही है, इसका रीजन ये है कि यार अभी रात का टाइम है और मैंने अभी कोई भी हेडलाइट ऑन नहीं करी है, सिर्फ जो बटन ऑन है वही वाली लाइटें जली हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक बार इसे घुमाऊंगा। नाउ यू कैन सी, आपको दिख रहा है ग्लो होती हुई चीज़ें, ये अलग अलग जो चीज़ें चल गई हैं यहाँ पे, ये लाइटें, ये सारी लाइटें एंड इवन इधर बटन्स के ऊपर भी, इधर आपकी स्क्रीन के नीचे जो बटन है। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं यहीं से क्लियर शुरू करते हैं। जैसे आप ये ब्लू लाइट देख रहे हैं, ये है फ्रंट पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले, कंपनी फिटेड ही है दोस्तों, ये जो ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरी है उसकी ही चीज़ है। ये कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको इंटीरियर लाइटिंग महिंद्रा थार की। तो जितने भी दोस्तों स्टेयरिंग के ऊपर आपको बटन देखने को मिल रहे हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये सभी इल्यूमिनेटेड है। इसके अलावा आपका जो ये डिस्प्ले है पूरा इल्यूमिनेटेड है रेड कलर में। एंड इधर आपकी जो टच स्क्रीन है उसके नीचे जितने भी बटन ये दिए हैं सारे इल्यूमिनेटेड है। एंड अभी तक मुझे टच स्क्रीन को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है टच स्क्रीन। एंड एवरीवन नोज़ किया थार का अच्छा सिस्टम दिया है यहाँ पे महिंद्रा ने, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको मिलते हैं AC के कंट्रोल, ये AC देखने में तो लगता है कि जैसे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है पर है ये मैनुअल AC। इधर से आपका टेम्परेचर का है, इधर से आपकी स्पीड हो जाती है फैन स्पीड। एंड वहीं पर नीचे की तरफ भी जितने भी USB के आउटपुट दिए हैं, USB चार्जिंग के लिए फास्ट, ये ओक्स है एंड देन फॉर एप्पल कार प्ले। एंड इसके बराबर में अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइट जला के दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके बराबर में हमें यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड ये ऐसे ओपन हो जाता है। इसके अंदर हालांकि कोई भी लाइट महिंद्रा ने प्रोवाइड नहीं करी है। एंड लाइट बंद कर देते हैं फिर से। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे जितने भी बटन है यहाँ पे इन सब में लाइट जलती है, लाइक अगर मैं कार स्टार्ट करूँगा एंड इस सीट पे कोई आके बैठेगा तो यहाँ पे सीट बेल्ट की लाइट भी जल जाएगी। एयरबैग को अगर मैं ऑफ कर दूंगा पैसेंजर वाले तो ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, इसके बराबर वाले में जल जाएगी लाइट। एंड ये अगर मैं चारों इंडिकेटर चलाऊँ कार के
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको, यहाँ मीटर में देख के पता लग जाएगा कि चारों इंडिकेटर कार के चल रहे हैं, अभी ग्लो कर रहे हैं, हैजर्ड बटन जिसे भी हम बोलते हैं हैजर्ड लाइट। एंड इसके अलावा दोस्तों एज यू कैन सी ये कार के साइड वाले बटन है, अब मैं लाइट जला लेता हूँ, आपने देख तो लिया ये कि इल्यूमिनेटेड बटन है सारे के सारे। सो एज यू कैन सी गाइस ये जो इतने सारे बटन है सारे के सारे आपके MID को कंट्रोल करने के लिए है। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का बटन, और ये आपका जो हेडलाइट का लेवल है उसको अप डाउन करने का बटन, यहाँ पे ये बटन भी इल्यूमिनेटेड है दोस्तों, ये भी सारा इल्यूमिनेटेड है। इसके अलावा जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इतनी कॉस्ट कटिंग होती है ना बाकी कार्स के अंदर, एंड यहाँ पे तो इसके थार के जो डोर्स है रिमूवेबल डोर्स है, फिर भी यहाँ पे महिंद्रा ने जो ये दिया आपको ना मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का बटन, ये भी इल्यूमिनेटेड दिया, लाइक L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, एंड एज यू कैन सी अगर मैं आपको दिखा दूँ, यस R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर मतलब सेंटर में आ गया। अभी जैसे ये आप देख रहे हैं ये घुमाने वाला नोब, इसके ऊपर भी जो डॉट है ये भी इल्यूमिनेटेड है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि महिंद्रा ने यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करी। इसके अलावा कार में पीछे तो कुछ है ही नहीं है दिखाने लायक, तो पीछे तो कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो आप नीचे ये फुटवेल में लाइटें देख रहे हैं, आगे भी पीछे भी चारों तरफ, ये 8 अलग अलग रंगों की लाइटें हैं, यानी कि 8 डिफरेंट कलर्स के लाइट है। इसका रिमोट भी मुझे मिला है एंड ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टेल यू अबाउट दी प्राइस एंड लेबर एंड मैंने किस प्राइस पे लगवाई हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस प्राइज इज़ रियली रियली अनबिलीवेबल। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल शो यू ऑल दी एक्सेसरीज आई हैव इंस्टॉल्ड इन माई महिंद्रा थार, लाइक यू कैन से साइड वाली क्लैडिंग से लेके हेडलाइट तक, छोटी से छोटा स्टेयरिंग कवर या बॉडी कवर से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी मैंने थार में लगवाई है, उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर। टिल देन अभी का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीरियर की लाइटिंग, तो हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों एक काफ़ी प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही मैं लाइटों को ऑन करूँगा, एज यू कैन सी ये कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एंड यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल, इस सब में आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हालांकि हुंडई और किया तो अपनी कार्स में ये चीज़ देते ही थे पहले से, पर महिंद्रा की तरफ से ये चीज़ का मिलना काफ़ी अच्छा है। लाइक जैसे मैं लाइटें बंद करूँगा एज यू कैन सी तो ये बंद होगी सारी, एंड जब ये चली तो ये चीज़ भी इल्यूमिनेटेड हुई, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग महिंद्रा ने नहीं करी। एंड अगर मैं आपको लाइट दिखाऊँ तो ये पूरा लेदर का गियर नॉब एंड यहाँ पे भी आपको इल्यूमिनेशन दे रहे हैं। इसके अलावा ये है इसके पावर विंडो के बटन, एंड अगर मैं लाइट बंद करूं तो एज यू कैन सी कि ये पावर विंडो के बटन भी इल्यूमिनेटेड यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड करे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, ग्लव बॉक्स के अंदर कुछ भी लाइट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बंद है यहाँ से सब कुछ। जो था इल्यूमिनेशन मैंने अंदर से सारा का सारा आपको दिखा दिया, एंड ये वाली लाइट आप देख ही चुके हैं, यहाँ पे आपको 4 LEDs महिंद्रा ने लगा के दी हैं, 1, 2, 3, 4, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन है कार का। तो आइए चलते हैं अब कार के बाहर एंड मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सारे फीचर कार के दिखा सकूँ। तो अभी कार स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी साइलेंट कार है एंड काफ़ी रिफाइंड इंजन है, ये है एमोक 130। तो दोस्तों मैं कार को अंधेरे में ले आऊँ, पीछे रखी है स्ट्रीट लाइट एंड इधर पूरा अंधेरा है, एंड कार को जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपके जो DRL हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे कार के, एंड एज यू कैन सी आगे जो ये बोर्ड चमक रहे हैं ना ये सारी रोशनी, ये सिर्फ DRL की पावर है। जो यहाँ पे महिंद्रा ने DRL दिया है ना कार के अंदर, ये काफ़ी ब्राइट DRL दिए हैं। इसके अलावा जो मैंने आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगवाए हैं इसमें भी DRL काफ़ी अच्छा दिया कंपनी ने, एंड एज यू कैन सी जो मैंने लाइट लगवाई है कुछ इस तरह की, एंड ये 5 स्टार ऐसे करके जलेंगे, इसमें काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों रियल में जब आप देखेंगे इस चीज़ को। कार अभी स्टार्ट है, ये DRL है इसके, एंड मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी DRL की ताकत है, एंड मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को अगर डाउन करूं तो कुछ इस तरह की ये दूर से देखने में लगती है। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी लाइट कार में नहीं जल रही है, DRL को आप टच स्क्रीन के अंदर सेटिंग है, DRL को ऑन और ऑफ वहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो परमानेंटली DRL ऑन रहेगा ही आपका। एंड अभी हम क्या करेंगे, अब मैं इसे एक बार घुमाऊँगा, एक बार
आप देखना डिफरेंस देखना सामने। अब मैं एक बार घुमाया, नाउ एज यू कैन सी कि DRL तो वही सेम है पर अभी उतना ब्राइट नहीं है पहले जैसा। तो जैसे मैंने एक बार घुमाया कार को पता लग गया कि रात हो चुकी है, इसे ब्राइट कर, ब्राइट बंद कर दे। एज यू कैन सी आप देख रहे हैं डिफरेंस, ब्राइट डिम कर दे। तो अब देखिए डिम होने के बाद कुछ ऐसा हो गया। एंड जब ये चीज़ होगी ना इस सेटिंग पे, आपकी जो पीछे की टेल लाइट है, इस सेटिंग पे आपकी पीछे की टेल लाइट जो कि LED टेल लाइट यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड करी है, हालांकि फुली LED नहीं बोलूँगा क्योंकि इंडिकेटर और आपका जो रिवर्स गियर की लाइट है वो LED नहीं है। तो ब्रेक मारने पे कुछ ऐसा सीन आता है। एंड नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर लगवाए हमने आफ्टर मार्केट, एज यू कैन सी ब्रेक छोड़। सो ये भी डार्क होते हैं ब्रेक दबाने के साथ। इंडिकेटर, सो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो नीचे रिफ्लेक्टर है सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट वाला राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो एज यू कैन सी रिवर्स गियर सिंपल है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको जो ये पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट नहीं सॉरी, जो नंबर प्लेट के लिए लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड करी है, ये भी वाइट कलर की LED लाइट प्रोवाइड करी है। ये मैंने नहीं लगवाई आफ्टर मार्केट, ये पहले से ही इसी तरह की महिंद्रा ने प्रोवाइड करी है। एंड कार का पीछे से लुक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी काफ़ी प्यारा लुक लगता है रात को। अब क्योंकि यार ये कन्वर्टिबल मॉडल है तो यहाँ पे इस जगह पे कोई भी आपको ब्रेक लाइट नहीं मिलेगी, या जिसे मैं बोलूँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इस कार के अंदर। सो दोस्तों अब हम आपको हेडलाइट दिखाएंगे इस कार की। ये मैंने DRL को कर दिया डिम एंड अभी मैंने कर दिया कार के फोग लैम्प ऑन। अब असली मजा शुरू होगा दोस्तों वीडियो के अंदर, जिस चीज का आप सबको इंतजार था। सो नीचे एज यू कैन सी LED फोग लैम्प है, ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी से ऐसे नहीं आते, कंपनी से हेलोजन फोग लैम्प आते हैं, मैंने चेंज करवा लिए। DRL ओन है कार का, इसका भी DRL ओन है। लो बीम, नाउ एज यू कैन सी ये लो बीम कार की ओन हो चुकी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं। डिपर, वेरी गुड। तो दोस्तों जब हम डिपर मारते हैं इस कार में मार, सो प्रॉपर पूरा का पूरा हेडलैम्प यूनिट ऑन हो जाता है यहाँ पे। तो यही थी महिंद्रा थार का लाइट रिव्यू। सारी की सारी लाइटिंग मैंने आपको दिखाई, आगे की, अंदर की, बाहर की, साइड से व्यू कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी प्यारा। एंड यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।